यारो मसीह बात की थी जिनकी इंतजार रह तक ते जिनकी करोड़ों ही मर गए। मस्जिद मुबारक से मुलहक मशरक़ की जानिब ये वो बाबरकत कमरा है जिसे सुर्ख छींटों के निशान वाला हुजरा कहा जाता है। इस बाबरकत हुजरे में सन 1885 बमुताबिक 27 रमज़ान 1302 हिजरी को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे मेहदी के लिए दस्ते कुदरत का एक कशफी मौजज़ा दिखाया जो कशफी अमर के खारिज में वजूद पकड़ने का एक अजीमुशान निशान है, जिसका जिक्र करते हुए इस मौजज़े के ऐनी शाहिद हज़रत मुंशी अब्दुल्ला सनोरी साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस वक़्त हुजूर के पाँव दबा रहा था हत्ता के आफ्ताब निकल आया और हुजरे में भी रोशनी हो गई। मेरे दिल में उस वक़्त बड़े सुरूर और ज़ोक से ये ख़यालात मौजज़े थे कि मैं क्या ही खुश नसीब हूँ, क्या ही उम्दा मौका अल्लाह सुबहानहु तआला ने मुझे दिया है कि महीनों में महीना रमज़ान शरीफ का है और तारीख भी जो 27 है मुबारक है और अशरा भी मुबारक है और दिन भी जुमा है जो नहायत मुबारक है और जिस शख्स के पास बैठा हूँ वो भी मुबारक है। अल्लाहु अकबर, किस कदर बरकतें आज मेरे लिए जमा हैं। अगर खुदावंदे करीम इस वक्त कोई निशान हज़रत अकदस अलैहिस्सलाम का मुझे दिखलावे तो क्या बईद है, मैं इसी सुरूर में था और पाँव टखने के करीब से दबा रहा था कि यकायक हज़रत अकदस अलैहिस्सलाम के बदने मुबारक पर लर्ज़ा सा महसूस हुआ और लर्ज़े के साथ ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक मुंह पर से उठाकर मेरी तरफ़ देखा। उस वक़्त आपकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, शायद जारी भी थे, और उसी तरह मुंह पर हाथ रख कर लेटे रहे। तभी मैंने हैरत ज़दा होकर बचश्मे खुद देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के टखने पर एक सुर्खी का कतरा पड़ा है। मैंने अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली उस कतरे पर रखी तो वो कतरा टखने और उंगली पर भी फैल गया। अभी मैं इसी हैरत व इस्तेअजाब में था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर भी सुर्खी के चंद ताज़ा निशान दिखाई दिए। मभूत होकर आहिस्ता से उठा और उन कतरात का सुराग लगाने के लिए छत का गोशा गोशा पूरी बारीक नज़र से देख डाला, लेकिन कोई सुराग ना मिला। नाचार बैठ गया और दोबारा पाँव दबाने लगा। थोड़ी देर बाद हुजूर अलैहिस्सलाम आलम कश्फ से बेदार होकर उठे और मस्जिद मुबारक में तशरीफ़ ले आए। उस दौरान मैंने हज़रत साहिब से सवाल भी कर दिया कि हुजूर आप पर सुर्खी कहाँ से गिरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेतवज्जुही से फरमाया कि आमों का रस होगा। मैंने कहा, हुजूर आमों का रस नहीं, ये तो सुर्खी है। इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सरे मुबारक को थोड़ी सी हरकत देकर फरमाया, कित्थे है। मैंने कुर्ते का निशान दिखाकर कहा कि ये है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुर्ता सामने की तरफ खींचकर और अपना सर इधर उधर फेर कर कतरे को देखा और फिर फरमाया, मैंने आलम कश में देखा कि बाज़ अहकाम कज़ा व कदर मैंने अपने हाथ से लिखे हैं कि आइंदा ज़माने में ऐसा होगा और फिर उसको दस्तखत कराने के लिए खुदावंदे कादर मुतलक जल्ला शानहु के सामने पेश किया और उसने जो एक हाकिम की शक्ल पर मुश्तमिल था अपने कलम को सुर्खी की दवात में डुबोकर अव्वल उस सुर्खी को इस आजिज़ की तरफ छिड़का और बकिया सुर्खी का जो कलम के मुंह में रह गया उससे इस किताब पर दस्तखत कर दिए और साथ ही हालत कश्फ दूर हो गई। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा कि देखें कहीं आप पर भी सुर्खी का कोई कतरा तो नहीं गिरा। मैंने कुर्ता को देखा तो वो बिल्कुल साफ़ था, मगर मलमल की सफ़ेद टोपी पर एक कतरा मौजूद था।
میں نے حضور اقدس علیہ الصلات والسلام کی خدمت میں عاجزانہ درخواست کی کہ حضور مجھے اپنا یہ اعجازی کرتا بطور تبرک عنایت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلات والسلام نے فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ہمارے بعد اس سے شرک پھیلے گا اور لوگ اس کو زیارت گاہ بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جن صحابہ کے پاس تھے وہ مرتے ہوئے وصیتیں کر گئے کہ ان تبرکات کو ہمارے کفن کے ساتھ دفن کر دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ میں بھی مرتا ہوا وصیت کر جاؤں گا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ الصلات والسلام نے فرمایا، ہاں اگر یہ عہد کرتے ہو تو لے لو۔ چنانچہ حضرت صاحب نے جمعے کے لیے کپڑے بدلے اور یہ کرتا منشی صاحب کے سپرد کر دیا۔ سرخی کا رنگ ہلکا اور گلابی مائل تھا، جس میں 43 برس گزرنے کے باوجود خفیف سا تغیر نہیں ہوا تھا۔ بالآخر 7 اکتوبر 1927 کو حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ بیش قیمتی یادگار بھی حضرت اقدس علیہ الصلات والسلام کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سپرد خاک کر دی گئی۔